इन असर्शन रीजन, बट वी हैव टू सी कि असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट्स है आपके पास. असर्शन में एक लाइन बोली कि गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ठीक है, इज इट ओके और नॉट, ये सही है कि नहीं? यानी कि असर्शन क्या है? ट्रू, राइट. रीजन आपको दिया है मैंने, रीजन वाली स्टेटमेंट में लिखा है गोल्ड इज अ मैलेबल एंड डक्टाइल, या मैंने रीजन दे दिया गोल्ड इज लस्ट्रस इन नेचर. अब गोल्ड इज लस्ट्रस इन नेचर, असर्शन क्या बोला था? इज यूज टू मेक ज्वेलरी. रीजन क्या दिया? दैट इज लस्ट्रस. क्या सही है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. यहीं पे अगर मैं बोलूं डायमंड इज यूज टू मेक ज्वेलरी, ओके, असर्शन इज ओके. रीजन मैं बोल रही हूँ डायमंड इज अ नॉन मेटल, क्या ये उसका रीजन है इसलिए डायमंड नो यूज किया जाता है ज्वेलरी के लिए? नो. लेकिन असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है. असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बात समझ आई? तीसरी ऑप्शन होती है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. फोर्थ होती है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. वो तो आपको देख के पता लग जाता है. बात समझ आई? पहली दो जो हमारे पास ए और बी ऑप्शन है उसमें होता है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. अगर मैं कह रही हूँ कॉपर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कॉपर वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रीजन मैं बोल रही हूँ कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है ये? दोनों ठीक है. रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं, दैट इज ठीक है. ये चीजों को आपको देखना. अब मैं कह रही हूँ कि कॉपर इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रिकल वायर्स इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कॉपर इज अ मेटल, क्या है? ए एंड आर आर करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. समझ आया? Metal वो है, वो true है statement. लेकिन वो इसलिए नहीं use किया जाता, वो क्यों किया जाता? Because it is a good conductor of electricity. No doubt metal की property है. That means we have to see it carefully कि हमें पूछा क्या गया. Clear है? आपको MCQs होंगे, assertion reason है. And then case study. Case study means the paragraph question. Paragraph question, अगर मैं बहुत in a very easy way, if I will tell, that is the comprehension. You used to do in the English. Paragraph है, you have to find out the answer from that paragraph and write down the. वो भी आपको MCQ form और question answers की form दोनों में हो सकते हैं. नीचे आपको 5 questions given होंगे in the form of MCQ. You have to identify the answer from that paragraph. And then you have to write down the answer. Is it clear? ठीक है? Topic clear हुआ कि है क्या? Test में किसी को कोई problem आई थी? बोलो तितिक्षा. मैम मैं आज में ये कह रही थी, मैं 15 students हैं, तो मैं present के आज भेज दूँ, जो जो present है उनके roll number भेज दूँ. Okay. Okay. चलिए. Next now. We were discussing about the topic that is the fractional distillation. हमने करा था इसमें. अब हमारे पास से fractional distillation में क्या करवाया था मैंने? But we had discussed. हमने कहा था same distillation की तरह मैं आपको दिखा भी दूंगी distillation round bottom flask. I will show it to you कि उसमें कैसे pipes लगी होती हैं, how it will move to the condenser, कैसे पानी ठंडा होके कैसे हम उसको separate करते हैं. ठीक है? अब उसके साथ साथ एयर जो है दिस इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्यों? हाउ वी कैन सेपरेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर? राइट डाउन. एयर क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर.
एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, दैट मीन्स हैविंग द नंबर ऑफ द गैसेज इन अ फिक्स रेशो. ठीक है, कौन कौन सी मेन गैसेज होती हैं एयर में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, ये मेन गैसेज उसमें प्रेजेंट है, राइट. अब हमारे पास है एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज. अब इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? इट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्योंकि एयर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, दे आर ऑल आर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से वी कैन सेपरेट द एयर इन द फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम. राइट डाउन, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कैन बी सेपरेटेड by fractional distillation. अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें एयर के कॉम्पोनेंट में से ऑक्सीजन को सेपरेट करना हो, यानी कि सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होता है कि एयर को कूल करते हैं, मतलब लिक्विफाइड करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तभी आएगा. ठीक है, हम एयर को क्या करते हैं, हाउ कैन बी लिक्विफाई द गैस, what are the two factors which help to liquefy her? Very nice, by reducing temperature, increasing pressure. जब भी हमने किसी चीज को liquefy करना है, गैस को liquefy करना है, two factors are important. One, increasing pressure, reducing temperature. Write down, by increasing pressure and reducing temperature, we can ठीक है. अब इसमें आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट भी बना है, आई एम मेकिंग दैट वन. फिर उसके बाद मैं डायग्राम के साथ समझाती हूँ हाउ वी विल डू इट. ये देखो, मैं दोबारा ये लाइन लिख रही हूँ. लिखो, एयर है यहाँ पे, एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड, नहीं नजर आ रहा, एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस्ड. एयर विल बी कंप्रेस्ड. कैसे कंप्रेस करते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. राइट डाउन, कंप्रेस्ड and cooled by increasing pressure and decreasing temperature. वही लाइन को दोबारा लिख रही हूं. एयर को आपने कंप्रेस किया by increasing pressure and decreasing temperature. तो ये क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये यहां पे फोकस कर लो, लिक्विड एयर. अभी हमने बोला था कि टू लिक्विफाई द गैस वी नीड टू डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर. हमें बहुत ज्यादा उसको प्रेस करना पड़ता है, टेम्परेचर कूल करना पड़ता है, तो वो बन जाती है लिक्विड एयर. फिर क्या करते हैं, लिक्विड एयर लिक्विड हो गई, एयर जो है वो लिक्विड हो गई, उसको फिर हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसको वार्म अप करते हैं, उसको हीट करते हैं. जब लिक्विड एयर वार्म अप होएगी तो उन सबके टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट 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 टेम्परेचर पे वी विल कलेक्ट इट. राइट डाउन द नेक्स्ट लाइन. इस ऑक्सीजन सिलेंडर को, ऑक्सीजन को हम बाद में करेंगे. आई एम जनरली टेलिंग यू कि हम गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. एयर में नंबर ऑफ द गैसेस हैं, उन गैसेस को हाउ वी कैन सेपरेट, क्योंकि उसको सेपरेट करने के लिए वी हैव टू लिक्विफाई द गैस.
लिक्विफाई करेंगे तो हम उसको वार्म करेंगे तो वो अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उनका, वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे जाके उड़ जाएंगी, इवेपोरेट होंगी, हम उनको सेपरेट कर लें, राइट। नेक्स्ट लिखे यहाँ पे वार्म अप, वार्म एयर को गर्म करेंगे, वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अलो एयर वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं गैसेस गेट सेपरेटेड एट अ डिफरेंट हाइट, गैसेस इसके आगे मैं ऊपर लिख रही हूं, अगर नहीं समझ आए पूछ लेना क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बन जाने। हाइट लिख सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो, ऑक्सीजन को फिर अभी अलग से सेपरेट करवाना बताऊंगी, ये कर हम वही रहे कि हाउ वी कैन सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम इट। हाँ, फिर इसमें से हमारे पास तीन मेन गैसेस अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। वाटर वेपर तो 100 डिग्री है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम किसके लिए करते हैं, हैविंग द लेस देन द 25 केल्विन से जिसका टेम्परेचर लेस होगा, ये एमसीक्यू आएगा। वेयर वी विल यूज, या आपको दिया होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें टेम्परेचर कितना है, या हम टेम्परेचर दे देंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनका डिफरेंस 25 केल्विन से कम है तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, डिस्टिलेशन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, ये आपको वहां देखना पड़ेगा। एसीटोन एंड वाटर का टेम्परेचर वी विल नॉट गिव, एसीटोन एंड वाटर किससे सेपरेट होते हैं, एसीटोन क्या है, एसीटोन क्या है, नेल पॉलिश हो गया, सिरिंच पे लग गया, कुछ भी, दैट इज द एसीटोन, ठीक है। और पानी का टेम्परेचर क्या है, और एसीटोन आपके नेल यहाँ पे लगाते क्या होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत कम है। वाटर का टेम्परेचर, उनका डिफरेंस कितना है, 25 केल्विन से बहुत ज्यादा। सो उसके लिए विच प्रोसेस वी विल यूज, डिस्टिलेशन। दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, मैं नहीं, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए वी हैव टू यूज द डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी मतलब नोट डाउन करो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास तीन गैसेस आती है मेन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और तीनों की अमाउंट इन वॉल्यूम भी अलग अलग है। ये हो जाते हैं, मैं अभी याद करवाती हूँ, रुक जा, आई विल टेल यू हाउ वी हैव टू लर्न। यहां लिखो बॉइलिंग पॉइंट, मैं एक मिनट बड़ा ही कर लेती हूँ थोड़ा सा, वॉल्यूम -183, राइट डाउन, -183, -186, -196। नाइट्रोजन कितनी होती है एयर में, 8.1, ऑक्सीजन 20.9, 21 कह देते हैं, तो क्योंकि हमने आर्गन को एक वैल्यू दे बुक में 21 लिख देना, 21 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। और रह कितनी गई, अब बस पर 0.9 रहेगी जो है, दैट इज द आर्गन।
यही है ना। ठीक है पूरा, हाँ हाँ पूरा लिखना ही, डिग्री सेल्सियस में ही पूरा नाम लिख दूं क्या? ओके है, आर्गन नाइट्रोजन डिग्री सेल्सियस, वही तो बता रही हूँ कि वो डिग्री सेल्सियस में है, लिख लो यहाँ पे। बस नहीं रहने तो लिख लो, गैसेस लिख लो। ठीक है हो गया। अब यही प्रोसेस को डायग्रामेटिक फॉर्म में उन्होंने बताया हुआ है कि हाउ वी विल डू इट। ठीक है, डायग्राम डेफिनेटली इट विल नॉट कम लाइक दे गिवन है बुक में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज द लेबलिंग में वी कैन आस्क। हाँ जी तितिक्षा अनम्यूट योर सेल्फ। मैम ये ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा हुआ है? -183। ओके मैम, मैम आपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे क्या लिखा है? बॉइलिंग पॉइंट परसेंटेज एयर, परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम होती है। ओके अब ये देख लो होता क्या है। गैसेस को डाला जाता है हाँ जी, हाउ वी हैव टू सेपरेट। हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। रुको फिर आप कहोगे बुक वाला नहीं है। इस तरह से इसमें पिस्टन लगी होती है, एयर को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एयर को डाला जाता है जिसको क्या करना है, कंप्रेस। उसको कंप्रेस किया एयर को, एयर को कंप्रेस किया तो क्या होगा, नीचे से हमने एयर अंदर इंसर्ट कर देनी है, यहां से एयर डाल देंगे, एयर इन। पहला स्टेप करो ड्रॉ। एयर अंडर प्रेशर, एयर को कंप्रेस कर दिया बाय डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एयर क्या हो जाएगी, गर्म नेचुरली, फिर ऊपर जाएगी यहाँ से कंडेंसर होता है वो, जहाँ पे इमीडिएटली जैसे आप लोग अपने स्कूटर्स को करवाते हो तो एकदम से ठंडे पानी के साथ क्या होता है, वो ठंडे पानी में डालते हो तो उसकी सारी हीट क्या है वो रिलीज हो जाती है। इन द सेम वे इसको दूसरे कंडेंसर में, मतलब अगले स्टेप में लेके जाया जाता है, जहां पे टू आउटलेट्स पाइप्स होंगी, मतलब एक अंदर आने के लिए एक बाहर जाने के लिए, और इवन यहां पे आप ऐसे भी शो कर सकते हो। Like this, ठीक है, यहां से
बॉम ईयर यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ पे फ्रीजिंग वाटर अंदर डाल रहे हैं हम। यहां से अंदर जाएगा, यहां से पानी बाहर जाएगा, ठीक है। अब जब यहां से हवा अंदर आई, इसके अंदर क्या है, कूल्ड है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो इसके साथ टच करेगा कंडेंस हो जाएगा ना, तो यहां से क्या होता है, फिर ये नीचे भी गिरेगा। आ जा बना ले, आ जा ड्रॉ कर दे, मेरे को भी बोर लगता है। बहुत बोर डायग्राम, डायग्राम यहां पे एक सेपरेटर लगा होता है, सेपरेटर में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है यहाँ पे एज अ ड्राई आइस। सेपरेटर मतलब वहां पे सेपरेटर्स हैं कि अलग कर देता है वो उसको, यहां से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज अ ड्राई आइस, ये सेपरेट हो जाती है। ठीक है जी, क्या करना था, ये बॉम ईयर राइजेज अप, इट विल कम इन द कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर में आके कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहां से यहां आई, ये यहां से यहां आई, ये सेपरेटर है, सेपरेटर में आके अलग होगी कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटर के, अभी नहीं, अभी बनाया नहीं मैंने, लिक्विड एयर अंदर जाएगी, इंजेक्ट होएगी, अब जो बाकी बचगी वो आगे जाएगी, ठीक है। लिखो उसको सारा, आता पूछ ले, ऐसे यहां से आगे चलेगी लिक्विड एयर। अब लिक्विड एयर अलग एक कंटेनर में जाएगी जहां पे अलग हो जाता आपके पास, लिक्विफाई कर लो, मैं अब ज्यादा जगह नहीं है। नहीं, एक पॉइंट और है, एक और है, बना ले जहां पे भी है। This is expansion jet. Liquid air. यहाँ liquid air जाती है, यहाँ पे जाके दो अलग gases जो है वो separate हो जाती है। यहाँ से oxygen इधर चले जाती है, यहाँ nitrogen and आर्गन जो है वो सेपरेट हो जाती है। कराने लगे हो,
छोटे से डायग्राम में ये आ सकता है लेबलिंग के लिए आपको, ठीक है। इस बार भी बट आई विल डू या वी विल डू, एज ऑल ऑफ यू हैड सीन द टेस्ट में, यू हैड सीन द पिक्चर्स, आइडेंटिफिकेशन डायग्राम्स की, है ना। नाउ द लेबलिंग विल बी गिवन, ठीक है। Abrupt labeling will be given. You have to see which part is this. Getting my point? In the same way, हमने line डाल के लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, C, है ना, ये separator है, ठीक है। और आपको options होंगी A, B, C, D. You have to identify कि A, B, C, D सही है label, तो आपने उसको choose कर, ठीक है। To make you, all of you, perfect, so that whenever the question will come in the exam, आपको कुछ भी tension ना हो। वो बड़ी चीज होती है। बस समझ आ गया कैसे सेपरेट करते हैं। टेम्परेचर्स आ सकते हैं एमसीक्यू में, 183, 186 एंड 196, ओएएन है, हाँ किसी का भी पूछ सकते हैं। वॉल्यूम भी एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट भी, ठीक है। This is the way we can separate the air. Now the question can come, air is separated by which method? Fractional distillation. ये था, मैं बता रही हूं कि the question can come in this form. Huh? You can't do it at home because you need a temperature regulators as well, pressure regulators as well. We have to maintain the pressure. हाँ, otherwise it's a big machine. We have to control एक एक point पे जाके, जैसे देखो -183 और दूसरा temperature है -186. See the very less difference between them. So how they can? नहीं, lab में नहीं है ये हमारे पास, we are not having. Yesterday not done.